तो दोस्तों, ओस्लो में झमाझम बारिश। कल की 30 डिग्री के टेम्परेचर के बाद आज जो है ये जबरदस्त बारिश हो रही है। आप देखो, बस थोड़ा कंसंट्रेट करो। ये जो आवाज आ रही है मेरे और देखो, लोगों की छाताएं निकल गई हैं एकदम बराबर। लोग छाता के साथ बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। बेहतरीन वेदर, सुंदर, ब्यूटीफुल। और सामने से एक भाई साहब जो है छाता के साथ आते हुए, बेहतरीन। तो दगड़ियों नमस्कार, उत्तराखंड सब दगड़ियों को नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार। ब्लॉग की शुरुआत आज की, कोई बहुत विशेष ब्लॉग तो ये नहीं बना पा रहा हूँ मैं, बस ऐसे ही घर में बैठ के चाय समोसे खा रहे हैं। संडे का दिन है, सुबह के टाइम बारिश हो गई थी, तो थोड़े बहुत आपको इसमें सीन बारिश के मिलेंगे। और अभी बैठ के थोड़ा चाय पी रहे हैं, तो बस यही आज का ब्लॉग। देखते हैं अभी, कुछ अगर बाहर निकल गया मैं तो कुछ कहीं से कुछ तो आपके लिए नेचर का चीज़ें शूट करके लाता हूँ, और नहीं तो हमारा भी संडे आज। और आप इतने ही ब्लॉग में खुश रहें, मैंने पहले ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग डाले हैं, आप उनको देखें। और अभी ओम तिवारी भाग रहा है, अभी आने के लिए तैयार नहीं है। अभी कोशिश करता हूँ ओम तिवारी को थोड़ा सा उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बाकी फिर बने रहें ब्लॉग में, देखते हैं अभी। और मैं जो है चाय पीने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, ये जो है संडे की चाय थोड़ा, वैसे तो मैं पीता नहीं हूँ बट संडे को दिन में कभी कभी पी लेते हैं। तो समोसे मैं पहले खा चुका हूँ और बाकी अब देखते हैं। अभी थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, और फिर कुछ और इसी ब्लॉग में कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। पकोड़े, क्या समोसे, सॉरी पकोड़े नहीं, समोसे आए हैं। और हम लोग संडे की इवनिंग का मज़ा उठा रहे हैं। अभी आप इसी वीडियो में देखोगे कि कितनी ज़बरदस्त जो है सुबह के टाइम बारिश हो रही थी, मौसम एकदम ख़राब था, और अब आप देखो बाहर क्या बढ़िया धूप निकल गई है। हमारी बालकनी में भी देखो आप, ये मिर्च के पेड़ देखो आप, एकदम बढ़िया मिर्च के पेड़ बड़े हो गए, मिर्च भी बढ़ गई है, फूल एकदम खिल चुके हैं। ये देखें, ये फूल देखें आप, एकदम बढ़िया। और हम चाय की चुस्कियों के साथ जो है अपना टाइम पास करते हुए, और ओम तिवारी जो है हमारे यहाँ पे नई नई करते हुए, और ये रिधिमा भागते हुए ओम तिवारी लिखते हुए। ओम तिवारी बता ही नहीं रहे कि ये कर क्या रहे। ओम तिवारी, व्हाट आर यू डूइंग, कुछ तो बोलो हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को बताओ आप क्या कर रहे हो। देखो, ये जो है नींबू का पेड़ है, इस पे कुछ नए नींबू आने लग गए हैं, और ये जो है गुलाब, और ये इधर बाकी के फूल, और ये इधर जो है हाजरी के फूल हैं, हाजरी के कुछ नए पेड़ भी लगाए हमने, ये देखो। और बाहर का वेदर देखो आप, नज़ारा एकदम खतरनाक, बेहतरीन। और धूप एकदम सुबह के टाइम एकदम खतरनाक मौसम हुआ था, और अभी हालत यह है कि हमको शेड बाहर करनी पड़ी है, क्योंकि बालकनी के अंदर पूरी धूप आ रही थी, तो थोड़ा शेड बाहर किया है हमने बैठने के लिए। और अब जो है हम चाय की चुस्कियों का मज़ा लेंगे। आलू नीर के आलू
नीर क्याल नीर ए हे मोहे रे लक्सी बात मोहे दे नेकल आखे नी नरे की नहीं है अब हो दखिल दयास हेन पा वाला में नखिल बालू बालू का मैं सिकल सेप सिकेप सो है अगु बालू कुछ दुकान में हो पा बहुत सुधर तो अब हम निकल गए हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं, ब्लॉक को कंप्लीट करते हैं, जो है क्या बोलते हैं, कुछ सामान लाना है, देखते हैं शॉप आज खुली तो होती नहीं है, पर देख लेते हैं गलती से खुल गई तो। और बच्चों को अपना घर में बैठा दिया है और श्रीमती जी जो हैं इनको लेके जाते हैं और ये घूम के आते हैं और ये तैयार हो चुकी हैं एकदम बराबर और देखते हैं, मेरे ख्याल से वाइडर है। तो फिर अब जो है अभी कुछ सामान लेके आते हैं, ठीक है जी, हम जो है घूम के आते हैं और सामान लेके आते हैं। और ये मैडम पता नहीं क्या डब्बे अब्बे उठा के ले जा रही है, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सामान जो है कूड़े में कैसे डालते हैं, ये कोई बात है बताने की? हाँ। क्या जैसे ये बताओ कि जैसे कागज और चीज में डालते हैं, आप ही बता दो। मेटल अलग चीज में डालते हैं, तो आप बता दें। ग्लास अलग चीज में डालते हैं। हाँ। तो हमारे पास इसमें क्या है? क्या है? ग्लास और मेटल। चलिए ठीक है, ग्लास और मेटल फिर आप कूड़ेदान में डालोगे। हाँ, उसका अलग होता है। उसका अलग होता है। और सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा भी तो कुछ होता है? हाँ, गीला कूड़ा मतलब फ्रूट्स के छिलके। हाँ। और जितना भी होती है वेजिटेबल वगैरह। हाँ। वो अलग। हाँ। और ड्राई वाला प्लास्टिक और ये सब जो भी पैकेट्स होते हैं वो अलग। अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है यहाँ पर, कहने का मतलब है। हाँ, ओके गुड, अच्छी बात है, ठीक है। उसे रिसाइकल करते हैं ना। हाँ। उससे खाद बन जाती होगी और उससे प्लास्टिक दोबारा रिसाइकल हो जाता होगा। ओके, बहुत बढ़िया। ये वेस्ट मैनेजमेंट तो खैर यहाँ पर नो डाउट इस कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट होता है, बोला। और इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, चलते हैं अभी और कुछ सामान लेके आते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं कुछ ढूंढने के लिए ग्रीनलैंड, और आज संडे है, कुछ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर देखते हैं, अगर कुछ मिल गया जो ढूंढने आ रहे हैं तो बढ़िया बात हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगा काम, और अगर नहीं मिला तो भाई नहीं मिला, फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो स्टोर है हमारा जहाँ पर हमें सामान मिलेगा, देखते हैं अगर हमें घी मिल जाता है तो। Hello।
क्या ताजमहल देखो दोस्तों, ताजमहल छाई जा रही है। वाह ताज। चलो जी तो आज फिर ये हम आम लेके जा रहे हैं। देखो आप जो है यहाँ से काफी आम गए हमारे, ये देखो चौसा और पता नहीं ये कौन सा है, अनवर कुछ तो बोल रहे हैं ये। अनवर टोल। बहुत शुक्रिया। चलो जी थैंक यू। कैमरा टेलीफोन है कि सिर्फ कैमरा है? तो दोस्तों हम घी लेने आए थे, घी तो हमें मिला नहीं और हम उठा लाए कुछ और आम वाम उठा लाए और अब हो गई है बारिश शुरू। तो अब जल्दी जल्दी भाग के जा रहे हैं हम क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और हम भीग रहे हैं। इससे पहले कि मेरा कैमरा भीग जाए आपको थोड़ा सा बाहर दिखा देता हूँ। एकदम बारिश शुरू हो गई है, ये देखो आप झमाझम बारिश शुरू हो गई है। झमाझम तो नहीं हो रही है, हल्की हो रही है, बट ये है कि बारिश हो रही है और हमारे पास छाता नहीं है और हम भाग रहे हैं जल्दी जल्दी से मेट्रो पकड़ने के लिए मेट्रो स्टेशन की तरफ। और बारिश शुरू हो चुकी है, जो सामान के लिए हम आए थे वो मिला नहीं हमें। तो चलो इसी खुशी में हमने आपको आज का ब्लॉग हमारा पूरा कर दिया। थोड़े आम उठा लाए हम, थोड़े और छोटे मोटे सामान उठा लाए, ऐसे स्टोर बंद रहते हैं। पर ये कि एक जगह है जहाँ ग्रीनलैंड, जहाँ पे संडे को कुछ शॉप्स खुली रहती हैं, मतलब सीक्रेट नहीं भी तो मतलब तो दोस्तों हम जो है मेट्रो में आ गए हैं और हम आम लाए हैं, हम जो है और बहुत सारे सामान लाए हैं। आम दिखाओ जरा, ये कौन सा है? इसका नाम है पाकिस्तानी अनवर, कह रहा था क्या कह रहा था वो अनवर कोटा कुछ तो कह रहा था। ये दिखा, ये है चौसा भैया, बेहतरीन आम, ये आम बेहतरीन आम बेहतरीन लोगों के लिए तो अभी आ रहा है तो हम लोग आम ला रहे हैं और खा रहे हैं दबा के। अभी ये एक महीना और चलेगा ऐसे ही 15-20 दिन, उसके बाद तो फिर आना बंद हो जाता है। तो हम अभी जितना खा सकते हैं उतना खा लेते हैं। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों आपको जो है हर तरह की चीज़ देखने को मिलेगी। सुबह झमाझम बारिश हुई, दिन में धूप आई और अब फिर से वापस से बारिश शुरू हो गई है। और मजा आ जाए एकदम, अगर वहाँ ऐसी ट्रेनें चल जाएं और पहाड़ों में और तो भाइयों और बहनों बात यह है कि अब जो है बारिश हो गई है, अब हमें नहीं पता कि हम कैसे जाएं और अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम
घर तक कैसे पहुंचे? वो नहीं आएगी यहाँ पे भी? देखते हैं, लेट्स सी। वाली आती हुई अभी वो? हाँ आती हो, क्यों नहीं आती हो? रिंगन वाली हो सकता है शायद। ये देखो भाई लोग, फिर से बारिश शुरू और हम समस्या में फंस गए। अब यहाँ से हमें जाना पड़ेगा पैदल। आधे घंटे के बाद आती है वैसे। दिन की शुरुआत बारिश में करी थी और अब दिन का अंत भी बारिश के साथ हो रहा है आज। तो ये तो भाई लोग, ये आज का ब्लॉग यहीं पर ही समाप्त करते हैं और बने रहें मेरे ब्लॉग में। और जिसने मेरा ब्लॉग अभी तक, सॉरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, उसको सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों को शेयर करें। हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आजकल बना रहा हूँ। तो देखो यार, अगर आपके जो लोग हैं सबको शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते रहूँगा। तब तक अपना स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।